हेलो बच्चों, वेलकम टू एन एकेडमी स्टूडियोज, लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। सो बच्चों, ये जो सेशन है आज का, हम यहां पर आपके लिए दो बच्चों का इंटरव्यू लेके आए हैं जो त्रिपुरा से रैंक 2 एंड रैंक 6 होल्डर्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि एनटीएससी स्टेज 1 का जो लास्ट ईयर का रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो चुका है। कुछ स्टेट्स ने जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। त्रिपुरा इज लाइक वन ऑफ दी फर्स्ट, मतलब जो सबसे पहले कुछ स्टेट्स में जिन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, त्रिपुरा उनमें से था। तो त्रिपुरा जो है इसका रिजल्ट 11th of June 2021 को जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। सो सुब्रज्योति दास ही सिक्योर्ड रैंक 2 एंड दिप्यन देव इसकी जो है 6th रैंक यहां पर है, आप देख सकते हैं। तो पहली चीज तो जो है ये दोनों ही बच्चे लास्ट ईयर अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों से पढ़ रहे थे। लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी, हम आपके लिए जो है यहां पर यूट्यूब पे एनटीएससी के बहुत सारे कोर्सेज रन कर रहे हैं। सिमिलरली हम सारे टीचर्स जो है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे भी जो है वेरियस कोर्सेज हमारे रन करते हैं। सो फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे जो है ये दोनों ही बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन करी थी। हमने जो है इनसे थोड़ा सा बात करके जानने की कोशिश करी कि यार कैसे सुब्रज्योति दास जो है उसने कैसे चैलेंजेस फेस किए अपनी प्रिपरेशन में, इसके कुछ यूनिक चैलेंजेस थे, एंड कैसे दीपियन ने जो है चैलेंजेस जो है फेस करे अपनी प्रिपरेशन में, इसके कुछ अलग यूनिक चैलेंजेस थे। बट दोनों ही बच्चों ने जो है बहुत ही डेडिकेटेड होकर अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ा और रैंक 2 त्रिपुरा में एंड रैंक 6 जो है हासिल करी। तो मैं बता देता हूं, सुब्रज्योति के जो थे 152 मार्क्स थे यहां पर आउट ऑफ 200, एंड यहां पर दीपियन के जो है 147 नंबर थे। बच्चों, जो जनरल का कट ऑफ गया था त्रिपुरा का वो 137 गया था। आइए चलिए जानते हैं इन बच्चों से कि किस तरह से जो है इन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी और क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस करी। हेलो गाइज, हमारे साथ जो है दो एकदम टॉपर बच्चे मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुब्रज्योति दास, SDNTSC के नाम से जो फेमस रहा था अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पिछले साल, एंड दिप्यन देव। ठीक है, तो मुझे DD है, एक SD एक DD, देव करके संडे अच्छे से याद था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा यार, सुब्रज्योति क्या रैंक रहा? सर ऑल त्रिपुरा रैंक 2 रहा। ऑल त्रिपुरा रैंक 2, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। एंड दिप्यन क्या रैंक रहा हमारा? एग्जामिनेशन दिया था, क्लास 10th जो है मैं थे लास्ट ईयर दोनों, मुझे आज तक याद है यार। मतलब सुब्रज्योति, जब तू मुझे कॉल किया करता था पहले, तो तू मुझे बोला करता था सर कैसे होगा, सर कैसे होगा। ठीक है, और कैसे होगा होगा करते करते आज जो है सेकंड रैंक तक पहुंच गया। तो यार मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले सुब्रज्योति कि जो तुम्हारी जर्नी रही थी ना, तो इसमें तुमने क्या चीज पे फोकस किया और मेनली क्या किया? मेरा पूरा फोकस प्रैक्टिस पर ही था। जब भी समय मिलता था मैं प्रैक्टिस ही क्या करता था। जब जो भी होमवर्क मिलता था वो कोशिश करता था कि डेली के डेली हो जाए। ओके, एंड इसके अलावा जो है सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा रहा था इस जर्नी? सर मुझे तो बहुत एसएसटी मतलब हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। ग्रेट यार, तो ये मतलब यार सुब्रज्योति से तुम लोग सीख सकते हो, मतलब जो बच्चे भागते हैं हिस्ट्री से दूर, सोशल साइंस से दूर, तो इसको मजा आता था। ठीक है, तो यार मतलब हर तरह के बच्चे होते हैं, तो ग्रेट यार। मतलब मैंने आज तक बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे मैथ सॉल्व करने में या फिजिक्स सॉल्व करने में मजा आ रहा है, बट ये बिल्कुल एक अच्छा एग्जाम्पल तुमने दिया। दीपेन, तुमसे भी पूछना चाहूंगा यार, जो ये जर्नी रही थी तुम्हारी लास्ट ईयर, तुमने पूरी कड़ी मेहनत करी, तो मतलब सारा जो प्रोसेस रहा था इसके अंदर तुम क्या कहना चाहोगे, क्या सबसे बेस्ट चीज थी जो हुई थी? वैसे मतलब मैं इस साल से पहले जो 2020 से पहली मंथ में मैंने अनअकैडमी लेट्स टेक फाउंडेशन से ज्वाइन कर लिया था। ओके ओके, हां जी, सभी तो वीडियो देखता हूं, तो वहां से मतलब एनटीएससी की मैं पढ़ाई शुरू की, मतलब पढ़ावा गया था लेकिन वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया एनटीएससी के लिए। ओके, और वैसे क्या था कि मतलब कोविड के टाइम में जब आप फोकस मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो लास्ट टाइम में मैंने जो PYQs है उसको एनालाइज किया कि कौन सी जो क्वेश्चन है वो जरा आ रही है, तो उसके जो टॉपिक थे उसके ऊपर जरा फोकस किया। मतलब हमारे जो सेट बुक्स होते हैं वहाँ पे मैं थोड़ा
टोटल जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन टेंशन से नहीं आती है। अच्छा, कुछ टॉपिक स्टेट बोर्ड की होती है तो वो क्यूआईक्यू एनालाइज करके वापस चलते हैं, तो वहां से मैंने पढ़ाया किया। PYQ में तो मैंने भी तुम्हारी थोड़ी बहुत तो हेल्प करी थी, करवाए थे ऐसे, बाकी हर सब्जेक्ट्स के PYQ तुम लोग करते थे, ठीक है। तो ग्रेट यार, तुम दोनों ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, एंड इस अचीवमेंट को यार मैं तुम्हें बोलूंगा कि इंजॉय करो, क्योंकि तुमने लास्ट ईयर जो है बहुत मेहनत करी है, एंड ये सच में मायने रखता है बच्चों। किसी भी स्टेट के अंदर जो है रैंक 2 एंड रैंक 6 लाना बहुत जबरदस्त चीज है, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। मैं तुम लोगों से एक और चीज समझना चाहूंगा, तो दोनों ही इस चीज का आंसर दे सकते हो। सबसे पहले सुब्रज्योति से पूछता हूँ यार, जो ये जर्नी रही थी इसमें कभी कभार ऐसा तो लगता होगा ना कि सर कैसे होगा मेरे से, कभी चैलेंजेस आए थे या नहीं आए थे? सर ऐसे तो बहुत बार चैलेंजेस आए थे, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो तब मेरा शायद 4 महीने का बैकलॉग था। ओ भाई साहब, मतलब 4 महीने का बैकलॉग होने के बाद भी रैंक 2 तक पहुंच गया यार, ग्रेट, फिर तो हैट्स ऑफ है, बहुत बढ़िया मेहनत तुम्हारी, ठीक है। और जब मेरा एग्जाम था December 13th को, और December 2 को शायद मेरा बैकलॉग खत्म हुआ था। अरे तेरी, तब उसके बाद रिवीजन करता गया, और मेंटल एबिलिटी को नहीं छोड़ा उसको, मतलब हर हफ्ते कोशिश करता था कि 1000 क्वेश्चन हो जाए। और भाई साहब 1000 क्वेश्चन एक हफ्ते में? हाँ सर, टारगेट तो यही रखते थे, होता नहीं था कभी। नहीं कोई बात नहीं, टारगेट तो अच्छा रखना पड़ता है। तो दीपेन, तुझे भी कभी चैलेंजेस आए थे बेटा इस तरह के? अगर मतलब नवंबर और जो अक्टूबर मंथ थी, मतलब उस महीने में 2 महीने में मैं कुछ ज्यादा पढ़ा, मैंने पढ़ नहीं पाया, मतलब मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने दादाजी मर गए थे, तो उस टाइम में पढ़ाई वढ़ाई कुछ हुआ नहीं। तो मतलब लास्ट टाइम में मैंने सिर्फ मतलब इतने सारे टॉपिक थे कि सारे सिलेबस कम्प्लीट करना मतलब पॉसिबल नहीं था, तो मैंने ज्यादा टाइम दिया कि मॉक टेस्ट देना है बहुत, जैसे कि आपको मतलब बताया कि मॉक टेस्ट देना है, तो मैंने हर जो मॉक टेस्ट आप लेते थे अजय सिंह कर लेते थे वहां पर अटेंड किया, तो मॉक टेस्ट के लिए मेरी कॉन्फिडेंस आई और मतलब एंटीसीडेंट में ज्यादा तकलीफ नहीं। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम दोनों से वापस एक आखिरी सवाल पूछूंगा बच्चों, ये बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। देखो अभी क्या है ना, पहले कोचिंग में जाना होता था, कोचिंग में क्या होता था सर सामने पढ़ा रहे होते थे, ठीक है। अभी क्या तुम लोग घर से पढ़ रहे हो, तो कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखते थे? ऐसा भी हो सकता है ना कि यार मोबाइल उठाया और क्लास चलाते चलाते यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने लग गए, ठीक है, तो कैसे अपने आप को ऐसा फोकस रखते थे कि नहीं यार हमें तो पढ़ना ही है और ये सब चीजें, क्योंकि बहुत बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तुम दोनों क्या करते थे इसके अंदर? सुब्रज्योति सर, दरअसल जब भी मैं टैबलेट लेके बैठता था तब कभी कभी हो जाता था कि मैं मतलब देखने बैठा हूँ क्लास, और ओपन कर दिया टेलीग्राम, उसके बाद देखने सारे मैसेज, वो कभी कभार होता था, पर मैक्सिमम समय मैं एक ही चीज पर फोकस करता था, मतलब कोशिश किया करता था कि मतलब जो आज का दिन का टारगेट है वो खत्म किया जाए। मैं रोज रात को सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल लिख कर सोता था, तो कोशिश किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, और बताओ। कोशिश क्या करता था कि लगभग 80% जो लिखा है वो काम हो जाए दिन का दिन में। बहुत बढ़िया है, ठीक है, हो जाता था तब फिर भी ठीक था, तो मतलब यही था कि दिन का काम तो दिन में खत्म करना है, तो इसलिए फोकस रहता था, और एक टारगेट तो था ही, मतलब कैसे भी करके क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो देखो इधर जो है सुब्रज्योति ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई कि वो टारगेट ऑप्टिमिस्टिक लेके चलता था, कोई बात नहीं, अगर 100 का टारगेट है 80 हुआ तो पहले बनाओ तो सही, ठीक है। वो खुद के टारगेट्स खुद बनाता था, प्लान आउट करता था डे को, यार मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, सब बच्चे इससे सीख सकते हैं सुब्रज्योति से। दीपेन बेटा तुमसे भी एक चीज, ये आखिरी सवाल जानना चाहूंगा मैं कि यार ऐसा होता होगा कभी कभार कि यार करना है पर मन भटक गया, यूट्यूब पे कुछ और देखने लग गए और पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, फिर रियलाइजेशन होता होगा, तो किस तरह से ये सारी चीजें रही और कैसे तुमने टैकल किया ये? सर वैसे मतलब मेरा भी डिस्ट्रक्शन बहुत आई है, मतलब मेरे लैपटॉप में पढ़ता हूँ तो लैपटॉप में प्रॉब्लम होता है कि आप एक साइड में पढ़ते हो तो दूसरे साइड में चले जाते हो होम में, तो मैं क्या करना, डिस्ट्रक्शन आ रहा था तो मैं लैपटॉप बंद कर देता था और कोई बुक लेकर के करना शुरू कर देता था, तो उस टाइम में जो डिस्ट्रक्शन शुरू होने वाली थी वो खत्म हो जाता था, उसके उस टाइम में इस प्रकार से डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता हूँ।
ग्रेट यार, मतलब डिस्ट्रेक्शन तोड़ने के लिए, कभी डिस्ट्रेक्शन हो रहा है तुम्हें रियलाइज होता था, तुम फटाफट से लैपटॉप बंद करके बुक पढ़ने लग जाते थे, फिर जब तुम ट्रैक पे आते थे तो वापस लैपटॉप पे अपना काम कर लिया। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो यार देखो, बहुत सारे तरीके ऐसे बच्चों दुनिया में होते हैं जो इन दोनों बच्चों ने भी अप्लाई किए, बहुत ही अच्छी रैंक्स हासिल करी। मैं इन दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और स्पेशली सुब्रज्योति को ज्यादा अच्छे से इसलिए जानता हूँ क्योंकि इसका जो वो आवाज थी ना मेरे कानों में हमेशा रहती थी कि सर कैसे होगा ये, ठीक है? तो मुझे लगता था यार कि सुब्रज्योति को कैसे समझाऊं कि सब चीजें हो जाएगी, बस मेहनत करते जा। तो डेफिनेटली यार उसने बहुत मेहनत करी है, दोनों ही बच्चों ने। दीप्यन जो है ये भी मेरे से, दोनों के दोनों बच्चे, आई थिंक आप दोनों अनअकैडमी प्लस पे ही पढ़ रहे थे हमारे साथ, करेक्ट? हाँ सर, तो दोनों ही प्लस पे पढ़ रहे थे। इसके अलावा जो है दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, मैं आपकी जो है बहुत अच्छा ये अचीवमेंट रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन दीप्यन, कॉन्ग्रेचुलेशन सुप्रज्योति, एंड थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहते थे इस सेशन से कि यार देखो, मेहनत का जो है कोई सब्सिट्यूट नहीं होता है, ठीक है? ये दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत करी एंड स्ट्रेटेजी से आगे बढ़े। सो थैंक यू बच्चों, आप जरूर बताना आपको जो है कैसा लगा, एंड और भी अगर कुछ आप चीजें जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें बताते रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू। तो बच्चों आपने देखा कि दीप्यन और शुभ्रज्योति ने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करी थी और क्या क्या चैलेंजेस उनके रहे थे। एक जो था वो इस चीज से लेके प्रॉब्लम में फंसा हुआ था कि कैसे मेरा बैकलॉग कंप्लीट होगा, ठीक है? बैकलॉग की जद्दोजहद के साथ जो है उसने अपनी प्रिपरेशन करी। दूसरा जो था उसने बताया कि फैमिली में किस तरह से कुछ इश्यूज आ गए थे, कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे जिसकी वजह से अक्टूबर नवंबर में उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुई थी, बट फिर भी दोनों ने अपनी प्लानिंग बनाई, दोनों ने जो है प्रिपरेशन करते कुछ टारगेट्स बनाए और प्रिपेयर किया। सो इट इज वेरी इजी टू क्रैक एग्जाम्स अगर आप कंटिन्यूसली डेडिकेटेडली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइस इस सेशन को ज्वाइन करने से पहले, मैं आपको इस सेशन को समाप्त करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यार अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जून मंथ के अंदर ये सारे के सारे बैचेस जो है लॉन्च हुए हैं, तो आप अपने पसंदीदा बैच में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करते वक्त रेफरल कोड RA लाइव का जरूर इस्तेमाल करना, सारे ही बैचेस जो है मैंने यहां पर बता रखे हैं। नेक्स्ट गाइस, अगर आप NTSC के जो है स्टूडेंट हैं तो यहां पर फिजिक्स का जो है एक मॉक टेस्ट होने वाला है 19th ऑफ जून को, तो ये जरूर दें बच्चों, आप जो है सुबह 10 AM पे होने वाला है। हर संडे को बच्चों स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, टॉप 30 रैंकर्स जो है स्कॉलरशिप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। देन अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए हर चौथी क्लास बच्चों डाउट सॉल्विंग सेशन है, स्टडी मटेरियल बच्चों आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से आप अपने लाइव क्लासेस यहां पर अटेंड कर सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनी टाइम एनी वेयर आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन बच्चों यहां पर कर सकते हैं। एंड ध्यान रखें, रेफरल कोड RA लाइव जरूर लगाएं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। इसके अलावा बच्चों कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, जहां पर 10th+JEE, 10th+NEET, 9th+JEE, 9th+NEET आप अपनी इलॉन्गेटेड ड्यूरेशन की प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर निश्चिंत होकर कर सकते हैं। बच्चों फाउंडेशन प्लेटफॉर्म का जो फी स्ट्रक्चर है, एक साल का 13,750 एंड दो साल का 19,250, रिड्यूस फी स्ट्रक्चर जो है यहां पर मैंने आपको बताया, आप इसके अंदर 10% फी और रिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं व्हेन यू आर यूजिंग रेफरल कोड RA लाइव। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इट। देन आस्क अ डाउट फीचर भी अब फाउंडेशन पे अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूं, हम कुछ एडुकेटर्स विजेता स्पेशल क्लास सीरीज रन कर रहे हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, ये सारी फ्री क्लासेस हैं। प्रशांत सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, देन सोना सर बायोलॉजी एंड देवयानी मैम केमिस्ट्री। तो मेरी क्लासेस का टाइम बच्चों वेंसडे एंड फ्राइडे यहां पर 4:35 PM होता है, आपको मेरे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जस्ट ज्वाइन t.me/RA lives फॉर दी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन टेलीग्राम, ठीक है? देन इसके अलावा बच्चों आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी अब प्लस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो कुछ बच्चे जो ज्यादा डिटेल में मेंटरशिप एंड गाइडेंस चाहते हैं, उन लोग के लिए पर्सनल कोच का फीचर है, आपको निरंतर कोई एक पर्सन जो है कोच करता रहेगा, गाइडेंस देता रहेगा, एंड स्टडी प्लानर के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद एक्सपर्ट गाइडलाइंस। तो बच्चों यहां दो साल का फी स्ट्रक्चर 57,000 है, एक साल का 35,500। आप ध्यान रखें यहां भी आपका 10% फी रिडक्शन हो जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग रेफरल कोड RA लाइव। तो थैंक यू बच्चों, मैंने आपको जो है इस सेशन के साथ साथ दीप्यन और शुभ्र ज्योति की जो है यहां पर स्टोरी बताई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक ले गाइस बाय बाय।